मुख्य शब्द कीवर्ड्स जीवों का विकास, प्रजातिकरण, अनुकूलन, प्राकृतिक चयन, कृत्रिम चयन, जीवाश्म, समवृत्ति लक्षण, सजातीय लक्षण। हमने सीखा, पहला, जीवों का विकास के सिद्धांत के अनुसार समय के साथ प्रजातियों की आबादी में अंतर आता है। प्रकृति में नई प्रजातियां पूर्ववर्ती प्रजातियों से प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होती रहती है। दूसरा, किसी भी सिद्धांत को प्रतिपादित करने से पहले कई प्रकार के प्रमाण और तथ्य जुटाना, उनकी निरंतर जांच करना और गहन अध्ययन करना जरूरी है। तीसरा, मनुष्य द्वारा चयनित लक्षणों के अनुसार जीवों में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया कृत्रिम चयन है। चौथा, प्रकृति में निरंतर होने वाले चयन की प्रक्रिया, जिनमें भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप लक्षणों का चयन होता रहता है, प्राकृतिक चयन कहा जाता है। पांचवा, किसी जीव के अपने आवास में ढल जाने की प्रक्रिया को हम अनुकूलन कहते हैं। अपने आवास में अनुकूलित जीवों की आबादी समय के साथ बढ़ती रहती है। छठवा, प्रजाति या जीवों का ऐसा समूह जो आपस में लैंगिक प्रजनन कर सके, जैविक प्रजाति माना गया। सातवा, विविध जीवों की उत्पत्ति एक समान पूर्वज से हुई है, इसलिए विकास की प्रक्रिया को एक शाखित पेड़ के रूप में दर्शाया जा सकता है।